इकमा, हर साल इटली के शहर मिलान में होने वाला एक ऐसा मोटरसाइकिल शो जहां दुनिया भर की मोटरसाइकिल कंपनियां शिरकत करती हैं और दिखाती हैं अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और आने वाली टेक्नोलॉजीज। एक नज़र डालते हैं इकमा के मोटर शो पर और जानते हैं कि कौन सी बाइक्स हो सकती हैं आने वाले टाइम में आपके गैरेज की शान। इकमा एक ऐसा मोटरसाइकिल शो जो हर साल इटली के मिलान में आयोजित किया जाता है। बाइक मैन्युफैक्चरर्स पब्लिक को अपनी लेटेस्ट क्रिएशन दिखाते हैं तो सप्लायर्स टेक्नोलॉजी और पार्ट एडवांसमेंट। इस साल इकमा का थीम है बाइक्स नेवर सीन बिफोर। BMW, KTM, कावासाकी, यामाहा, होंडा जैसी सभी बड़ी टू व्हीलर्स कंपनीज ने यहाँ शिरकत करी और साथ में मौजूद थी भारतीय कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जिसने अपनी डॉन 125 को शोकेस किया। डॉन 125 खास अफ्रीका मार्केट के लिए तैयार की गई है, ये बात थी इंडियन कंपनी की। अब नजर डालते हैं उन बाइक्स पर जो इंडियन बाइक लवर्स की गैराज की शान बन सकती है। शुरुआत करते हैं KTM 390 ड्यूक के साथ। 2017 KTM ड्यूक 390 सुपर ड्यूक से इंस्पायर्ड है। इसमें नई डिजाइन फिलोसफी का इस्तेमाल किया गया है। शार्प स्टाइलिंग, एग्रेसिव स्प्लिट हेडलैम्प्स, ये नई ड्यूक 390 अगले साल तक भारत की सड़कों पर नजर आ सकती है। पावर के मामले में इस बाइक में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। 373 cc इंजन इस्तेमाल करने वाली ये बाइक 43 हॉर्स पावर का पावर और 37 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। नई स्टील फ्यूल टैंक इसमें दी गई है और कैपेसिटी 11 से बढ़कर 13 लीटर हो गई है। नई ड्यूक 390 की ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm हो गई है। राइड बाय वायर थ्रॉटल, फुल TFT डैश और ऑप्शनल माई राइड मल्टीमीडिया इंटरफेस जैसे कुछ नए फीचर्स भी इस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे। KTM ने नई ड्यूक 390 के अलावा KTM 790 ड्यूक का प्रोटोटाइप भी इकमा में दिखाया। BMW 310 GS भारत में जल्द लॉन्च होने वाली 310R का एडवांस वर्जन है। जी, 310 GS एक डुअल पर्पस बाइक है और टर्मैक के अलावा हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। जी 310 GS जी 310R के मॉडल पर आधारित है। इसे BMW भारत में TVS के साथ पार्टनरशिप में तैयार करेगी। जी 310 GS में 313 cc का इंजन होगा जो 34 BHP की पावर देगा और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सारे मॉडल में डुअल चैनल ABS और लगेज कैरियर भी होगा और साथ ही हीटेड ग्रिप, सैटेलाइट नेविगेशन, 12 वोल्ट पावर सॉकेट्स, सीट हाइट ऑप्शनल जैसे कुछ और फीचर्स भी होंगे। 2017 में G310R लॉन्च होने के बाद उम्मीद है कि G310GS भी 2018 तक भारतीय बाजार में आ जाए। अब जरा ध्यान दीजिए स्ट्रीट ट्विन फैमिली के नए सदस्य ट्रायम्फ स्ट्रीट स्क्रैम्बल पर। एक रेट्रो बाइक जिसका स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट आपको मुड़ने पर मजबूर कर दे। स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और चार्जिंग के लिए USB पोर्ट। इस बाइक को खास तैयार किया गया है ट्रेल राइडिंग के लिए। इस बाइक में लगा है 900 cc पैरेलल ट्विन इंजन जो 55 PS की पावर जनरेट करता है। मोटरसाइकिल शो की बात हो और डुकाती का नाम न लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता। डुकाती ने मॉन्स्टर 797 को शोकेस किया। ज्यादातर स्टाइलिंग मॉन्स्टर 821 से ली गई है और एग्जॉस्ट मफलर, रेड फ्रेम और 10 स्पोक एलॉय व्हील्स इस बाइक को एक अलग पहचान देते हैं। मॉन्स्टर 797 में 803 cc एल ट्विन मोटर का इस्तेमाल किया गया है। सीट हाइट को कम रखा गया है और सेफ्टी के लिए ABS भी इस बाइक में दिया गया है। डुकाती की बढ़ती पॉपुलैरिटी और भारतीय मार्केट को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बाइक को 2017 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है।